वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों की सुरक्षा और इंसान हाथी संघर्ष को रोकने की जरूरत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुक्रवार को एलिफेंट डे मनाया गया। ये हमारा वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में और अन्यथा हर जगह वाइल्ड लाइफ वीक बहुत अच्छे से मनाया जाता है और इसी तरीके से आज एलिफेंट डे है तो उसको भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बनाया। तो गांव के आसपास के जितने भी बच्चे हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के यहाँ पर उनको हमने यहाँ पर बुलाया और एलिफेंट जो है कितना इंपॉर्टेंट हेरिटेज एनिमल है और उसके कंजर्वेशन से आप कितना अच्छी तरीके से बाकी पूरा इकोसिस्टम कंजर्व कर सकते हैं वो हमने बच्चों को समझाया। वन्यजीव प्रेमियों के मुताबिक ऐसे आयोजन इलाके में रहने वाले लोगों को हाथियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने के बारे में जानकारी देने के लिए अहम है। 4 तारीख को जो हाथी दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें हाथी के प्रति संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा हो क्योंकि ये कॉरिडोर है और हाथी हमारे जो एक नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है तो उसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। और कॉर्बेट में जो वन्यजीव सप्ताह का एक दिवस खास तौर से हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो जन जागरूकता के लिए होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और वन्यजीव प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जानकारों ने हाथियों से जुड़ी कई खास बातें भी बताई। हाथी के बारे में सीखा, हाथी कैसे खाते हैं, क्या मतलब कैसे सुनते हैं, कैसे मतलब जंगल में चलते हैं, मतलब उनकी सारी बातें सुनी हमने और पता लगा हम समझे उससे, मतलब उससे बात हुई, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हमें। हाथी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। इस पार्क में न सिर्फ जंगली हाथियों के झुंड पाए जाते हैं बल्कि पूरे रिजर्व में सफारी के लिए भी हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। पार्क में वाइल्ड लाइफ वीक 7 अक्टूबर को खत्म होगा।